गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपको माय स्कूल पर एक निबंध के विषय में समझाएंगे। बच्चों निबंध है आपका माय स्कूल या एन आइडियल स्कूल या माय स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। इसके विषय में आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इसमें चार हेडिंग है आपकी, नेम एंड सिचुएशन, दूसरी हेडिंग है बिल्डिंग, और तीसरी हेडिंग है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, और तीसरी एंडिंग है चौथी है कंक्लूजन। तो पहली एंडिंग देखते हैं, नेम एंड सिचुएशन। तो नेम एंड सिचुएशन में लिखना है आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम माँ सरस्वती जूनियर हाई स्कूल, माँ सरस्वती जूनियर हाई स्कूल मीरठ की जगह आपको क्या लिखना है, बरेली लिखना है। इज एन आइडियल स्कूल, इज माने है, एन माने एक, आइडियल मीन्स आदर्श, स्कूल माने स्कूल। इट इज सिट्यूटेड इन सदर मार्केट, तो आपका इट इज सिट्यूटेड इन बरेली, ये बरेली में स्थित है। फिर इसके बाद बिल्डिंग, इसमें लिखना है द बिल्डिंग ऑफ आवर स्कूल इज वेरी हाई। द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की, इज वेरी हाई, बहुत ऊँची है। इट इज हैज द स्टोरेज, इट माने है, इज माने है, थ्री स्टोरेज, यह तीन स्टोर की है। इट इज इंक्लूड, इट माने है, इंक्लूड माने इंक्लूड किया गया है, अ ह्यूज प्ले ग्राउंड, ह्यूज मीन्स बड़ा प्ले ग्राउंड, कॉमा 40 क्लास रूम्स फॉर 1000 स्टूडेंट, अ वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, अ बेल पूरी तरह स्टॉक्ड लाइब्रेरी, स्टॉक लाइब्रेरी एंड एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम, अ कैंटीन एंड थ्री साइंस लैब्स। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ऑल द टीचर्स, सभी, ऑल माने सभी, द टीचर्स, अध्यापक ऑफ माई स्कूल, आर बेल, आर माने है बेल क्वालिफाई, पूरी तरह क्वालिफाइड मतलब योग्य है, कॉमा एक्सपेंसिव एंड कैरिंग, सर अर्पित सिंह इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, सर अर्पित सिंह, इसकी जगह आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, इज अर्पित सिंह की जगह, इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, इस माने है द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल के प्रधानाचार्य, ठीक है। एलोंग विद द टीचर ऑफ स्टाफ, एलोंग विद साथ में, द टीचिंग मीन्स पढ़ाते हैं स्टाफ, देयर आर टू पॉइंट्स एंड टू क्लर्क्स इन द ऑफिस, देयर माने वहाँ, आर माने है, टू माने टू पॉइंट्स, दो क्या, दो पॉइंट मतलब चपरासी हैं, एंड टू क्लर्क्स, दो लिपिक इन द ऑफिस, ऑफिस में। ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स ऑफ द स्कूल, फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के फोकस मीन्स ध्यान देते हैं, ऑन माने पर, ऑल राउंड चारों तरफ से डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास करना ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के विकास में, विकास में। द रिजल्ट ऑफ द स्कूल इज ऑलवेज अबव 90% एंड स्टूडेंट्स रेगुलरली, द रिजल्ट ऑफ स्कूल, दो स्कूल का क्या है, परिणाम, रिजल्ट ऑफ द स्कूल इज माने है, ऑलवेज मीन सदैव अबव 90% से अबव होता है, एंड स्टूडेंट्स रेगुलरली, और स्टूडेंट्स छात्र रेगुलरली नियमित रूप से, बिन प्राइज इन स्पोर्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, बिन प्राइज, बिन माने जीतते हैं, प्राइज माने पुरस्कार इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में, एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज
एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टाफ लेवल, स्टेट लेवल, उनमें क्या करते हैं प्राइस बिन मतलब जीतते हैं, ठीक है। इसके बाद कंक्लूसन, ठीक है, माई स्कूल हैज़ अ गुड रिपोर्टेशन, मेरे माई माने मेरे स्कूल हैज़ अ गुड रिपोर्टेशन, मेरे स्कूल की एक अच्छी रिपोर्टेशन रखता है फॉर डिसिप्लिन अनुशासन, फॉर डिसिप्लिन अनुशासन एज वेल एज इन स्टडीज अध्ययन में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट इवेंट्स, एक्स्ट्रा जो करिकुलम होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, स्पोर्ट मीन्स खेल में इवेंट्स, जो खेल इवेंट्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइज्ड की जाती हैं, और ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, ऑल दीज थिंग्स मेक इन एन आइडियल स्कूल, ऑल माने सभी दीज थिंग्स, सभी की यह सोच होती है मेक इन एन आइडियल स्कूल, एक आइडियल स्कूल बनाने की, ठीक है बच्चों। इसे आपको नोट करना है और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है।